दुनिया की दौड़भाग के बीच विश्व के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जिला स्तरीय सत्संग का भव्य आयोजन त्रिदेव फार्म हाउस महिला जेल के निकट कालिंदी विहार तहसील एतमादपुर जिला आगरा में होने जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसका प्रचार उनके अनुयायी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। सत्संग का आयोजन 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। चीन के अकेडमी ऑफ साइंसेज के स्वामित्व वाली एक चीनी कंपनी CAS स्पेस का कहना है कि वह एक लॉन्च व्हीकल का वर्टिकल लैंडिंग टेस्ट पूरा करने में सफल रहे। ये टेस्ट पूर्वी चीन के यंताई शहर के हयांग में समुद्र में किया गया था। इसके लिए कंपनी ने एक छोटे से डेमोंस्ट्रेटर का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जेलेंस्की ने पीएम मोदी से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन दजाप्रोवा ने ये पत्र मीनाक्षी लेखी को सौंपा है। पाकिस्तान में महंगाई दर 35% से ऊपर पहुंच गई है और सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया हर दिन पिछला स्तर छूने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। फिलहाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 288 के स्तर पर पहुंच चुका है और जनता रोटी के लिए तरस रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए सत्र से सेवारत कर्मचारी और शिक्षक पार्ट टाइम PhD कर सकेंगे। UGC के नए रेगुलेशन के तहत PhD में प्रवेश के लिए प्रश्न पत्रों में भी बदलाव किया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर में मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हो गया। लोगों ने चक्का जाम कर आगजनी की। इस दौरान जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर ही पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को 5,676 नए मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 40,215 पर पहुंच गई है। इससे लोगों में कोविड-19 को लेकर डर का माहौल बनना शुरू हो गया है। लोगों ने मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पहली बार रोबोट की मदद से घुटना प्रत्यारोपण में सफलता मिली है। ससुराई की रहने वाली 65 वर्षीय महिला 10 साल से घुटने की गठिया दर्द से परेशान रहती थी, चल नहीं पाती थी। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाए गए माफिया आतिक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर बुधवार को एक बड़ी चोट हुई। उस पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बसपा के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी समेत उसके 15 करीबियों के ठिकानों पर एक साथ मार छापे। दिल्ली के सादिक नगर स्थित इंडियन स्कूल में बम होने का एक ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल मिलते ही स्कूल को खाली कराया गया। ईमेल सुबह करीब 11 बजे के आसपास स्कूल को मिला। बम निरोधक दस्ता स्कूल में मौजूद है। एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा दिया गया।